subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. फोन पे बातें करने से दिल नहीं भरता जो हर वक्त मिलने की जिद करते हो, बोलो ना क्या बात है? बताता हूँ, पहले ये पर्दा तो जरा हटाओ। हाँ, ये बात थी तुम्हारे इस चांद से चेहरे को देखने के लिए। फोन पर तुम नजर नहीं आती ना। अच्छा प्लीज दूर होके बैठो, किसी ने देख लिया तो। कब तक? आखिर एक दिन तो तुमने मेरी नहीं, शायद तुम जानते हो ना मेरी मंगनी हो चुकी है। अरे तो मंगनी हुई है ना, कौन सा शादी हो चुकी है? और मंगनी भी वो जिसमें तुम्हारी अपनी मर्जी शामिल नहीं थी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ, लेकिन शायद मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। घर वालों को भी कुछ शक सा हो गया है, वो कमबख्त जवाद है ना, वो भी हर वक्त कहीं ना कहीं फिरता रहता है, उसने देख लिया तो कयामत आ जाए। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम सिर्फ मेरी हो। अच्छा अब मैं जाऊंगी। हाँ, मोहब्बत का तो सारा जमाना दुश्मन होता है, और जब तुम मेरे साथ हुआ करो ना तो डरा जरा कम करो। शट अप, ओके अब मैं जा रही हूँ। और हाँ, अब मत रुकना। सुनो, मैं फोन करूंगा रात में। हाँ दादा, क्या कर रहा मैं? किया है देख तो सही। ओए होए होए होए, डाले वाह मेरे शेर वाह, ये किया ना तूने काम, आज तो मेरी तरह से तेरी दावत पक्की। चल आजा, चल आजा। अरे अहमद भाई। अरे यार मिर्जा, कहाँ चल दिए? यार मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाह रहा था। खुशखबरी? हाँ, कल शाम को लड़के की पुप्पी और बड़ी बहन तुम्हारी बेटी अलमास को देखने आ रही है। अच्छा, तो फिर इसका मकसद है कि आज तुम चाय पिए बगैर नहीं जाओगे, वो भी हमारे घर की? अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतला देने आया था, मैं चलता हूँ। कुछ भी कह लोगे मैं जाने नहीं दूंगा। चलो ना यार, बच्चियाँ और बेगम भी बड़ा तुम्हारा पूछ रही थी, कहाँ गुमनाम ना बनो यार, आ जाओ। कैसा गम दे दिया परवरदिगार, एक बूढ़ी और तन्हा माँ के लिए उसकी इकलौती औलाद सब कुछ होती है, तूने उसे इतना खतरनाक मरस दे दिया। या अल्लाह, तू मेरी जिंदगी ले ले, मेरे बच्चे को जिंदगी अता कर, उसके सारे दुख सारी तकलीफें मुझे दे दे, मेरे फाद को जिंदगी दे दे, उसको सेहत दे दे खुदाया। एक माँ की फरियाद सुन ले खुदाया, थैंक यू।
मम्मी। हाँ बेटा, सोया नहीं अभी तक? मेरी मम्मी जाग रही हूँ और परेशान हूँ, मैं भला कैसे सो सकता? रो क्यों रही है? रो तो नहीं रही हूँ, बस आज तुम्हारे डैडी याद आ गए। अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल किया है कि आज उनका पूरा बिजनेस संभाल लूं। शायद अगर आज वो जिंदा होते तो कितना खुश होते। अरे सब आपकी दुआओं का नतीजा है। बस करें रोना, चलें चलें अपने कमरे में, उठें। चलो आई। कहाँ जा रहे बेटा? अब वो मैं डाइजेस्ट वापस करने के लिए जा रही थी। इस वक्त? हाँ वो इसी वक्त लाइब्रेरी खुलती है ना। अच्छा लाओ मैं दे आता हूँ। आप? मैं बेटा मैंने वो दुकान देखी है, मैं दे आता हूँ, तुम घर बैठो। शाबाश। अबू ने आज वहाँ शाहिद को देख लिया तो? ओह गॉड, अगर मैं क्यों डर रही हूँ? अबू को क्या पता वो कौन है? लेकिन बड़ा मसला हो जाएगा, वो आज मेरे ना मिलने पर जरूर नाराज होगा। अब क्या करूँ? अफशान, तुम तो लाइब्रेरी गई थी ना बेटा? हाँ वो अबू नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने कहा मुझे दे दो डाइजेस्ट, मैं वापस कर लूँ। नाराज हो गया। मुझे खुद भी तुम्हारा रोज रोज लाइब्रेरी जाना अच्छा नहीं लगता अफशान, जमाना बहुत खराब है बेटा। सही कहती है अम्मा, जमाना बहुत खराब है। सारा कॉलेज जाती है, जमाना खराब होता ही नहीं। अब यह जॉब करती है, जमाना तो सबसे अच्छा है। सिर्फ एक मैं हूँ जिसके लिए जमाना हर बार खराब हो जाता है। यह साला वो मनहूस कमबख्त हमारा जवाब देने में कूद पड़ता है। अम्मा आप एक काम करें, नमाजें पढ़ती है ना, आप दुआ करें कि ये मर जाए ताकि जमाना सही हो जाए। अरे अफशान, क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। अफशान बच्चे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नहीं मैं अपने नसीबों को पीट रही हूँ। आपके पास भी कुछ है ना मुझे सुना दे, क्योंकि इस पूरे घर का बस तो सिर्फ मुझ पे चलता है। अच्छा बताओ ना हुआ क्या है? शायद अम्मी ने कुछ कह दिया है। अम्मी ने तो फिर जवाब की बात होगी, उस पे इनका मूड खराब हो गया होगा। जी नहीं, आज एक नया फतवा जारी हुआ है, मैं अब डाइजेस्ट लेने भी नहीं जा सकती, मैं मर क्यों नहीं जाती? हाँ इतनी सी बात फिर हो रही हो? कौन सा डाइजेस्ट चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें ला के दूंगी, प्रॉमिस। और जब आपकी शादी हो जाएगी तब कौन लाके देगा? डाइजेस्ट देने जरूर आया करूंगी, प्रॉमिस। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। भूली तो? भूल सकती हूँ, अपनी जान की कोई बात मैं भूल सकती हूँ? जा खुश रहा करो।
जब तक कोई हमारे सामने होता है हमें उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होता, मगर जब वो खो जाता है, हालात के मंजर में गुम हो जाता है, तो हम उसके लिए तड़प उठते हैं। लुबना मेरी मोहब्बत नहीं थी, मगर न जाने क्यों उसके बगैर ऐसा लग रहा है जैसे कोई कीमती चीज किसी ने छीन ली हो। फहद? जी मम्मी। बेटा, मैं तुम्हारे गर्व को समझती हूं, मां हूं तुम्हारी, लेकिन बेटा कभी कभी खुदा कुछ लेके बहुत कुछ देने वाला होता है। हम समझ नहीं सकते उसकी हिकमत को, उसकी मसलहत को। खुद को संभालो जान, वरना तुम्हारे सर का दर्द और बढ़ जाएगा। लेकिन मम्मी, अंकल ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी थी मुझ में? कमी मेरे बेटे में नहीं थी, उनके नसीबों में थी कि वो मेरे हीरे जैसे बेटे की कदर ना कर सके। और तुम देख लेना, एक ना एक दिन उनको इस बात का जरूर एहसास होगा कि उन्होंने मेरे हीरे जैसे बेटे की कदर नहीं की। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो बेटा खाना खाओ। मम्मी मुझे भूख नहीं है। ठीक है, अपनी बूढ़ी माँ को भी भूखा मारो। वो एक तो आप भी ना जिद कर लेती हैं। आए उठे। मिर्जा साहब जलाल के अब्बू के पुराने वाकिफ कार हैं। उन्होंने आप लोगों की इतनी तारीफ की कि हमें यहाँ आना पड़ा। मोहब्बत है जी मिर्जा साहब की तो। वैसे आप लोग लड़के की? मैं जलाल की पुप्पो और ये उसकी बहन। अच्छा अच्छा अच्छा। जलाल भाई के लिए आला से आला खानदान की लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं। कहीं लड़के की शक्लो सूरत वाजबी होती है, कहीं उम्र ज्यादा निकल आती है। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, मेरे पास है, खुद मुख्तार है, हमें भी रिश्तों की कमी नहीं है। मेरा ख्याल है आप लोग अलमास से मिल लीजिए, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। सायरा, अलमास को बुलाइए। जी, तो आपको आने में, घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं कुछ नहीं। और आप क्या करते हैं? मैं तो बस ये कि जॉब कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये तो बड़ी आम सी शक्ल की लड़की है पप्पा। मुझे तो उम्र भी 30 साल से ज्यादा लग रही है। लगता है यहाँ जहेज वहेज का भी कोई आसरा नहीं है। कहाँ फंसा दिया मिर्जा साहब ने? बिल्कुल सही जगह फंसाया मिर्जा साहब ने। उठिए उठिए जरा यहां से, उठें उठें। और क्या कह रही थी अपिया के बारे में? हाँ, कैसी शक्ल है? अपनी शक्ल देखी आपने कभी? बुढ़ी गोरी लाल लगाम, अपनी साथ लेके क्या फिर रही है? इसकी उम्र देखें आप, उनकी उम्र देखिए, जान सा चेहरा है मेरी अपिया क्या, मरते हैं लोग उन पर। अब्बा प्लीज बहुत हो गया, मुझे बात करने दे। इन जैसे लोगों को मैं ज्यादा अच्छा हैंडल करती हूँ। चले तो जबान देखी इस लड़की की, यही तरबियत दी है भाई साहब आपने लड़कियों को। और आपका अपनी तरबियत के बारे में क्या ख्याल है? अपने अधेड़ उम्र दो बच्चों के बाप के लिए वो ढूंढते फिर रही हैं बेगम? आप भी आप तशरीफ तो रखें। नहीं अब्बा, ये अभी बैठेंगे, चले निकले। मेरे भांजे को कमी नहीं है लड़कियों की, एक से एक लड़की पड़ी है, लोग रिश्ता लिए खड़े हुए लड़की लेके। जाइए जाइए, मार्केट में तलाश कीजिए, मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। ये क्या किया तुमने? ठीक आशा ने जो की, इसे बदतैसी पर जाहिल लोगों के साथ इसी तरह होना चाहिए था। हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है। चलो अफशा तुम मेरे साथ। ठीक कहती हैं बेगम आप भी, जिन रिश्तों की बुनियाद ही लालच पर हो वो बाद में कैसे निभ सकते?
मगर अब मैं मेरे साहब को क्या जवाब दूंगा। अब हम सारी दुनिया को तो नहीं कर सकते, तुम्हें उनकी बात बुरी लगी थी तो हम अम्मी अबू को बाहर नहीं बता देते। जीते रहो मेरे बच्चे, तुम वाकई बहुत साबिर हो। हमारी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है बेटा, मुझे रब ने अबू को माफ कर देना। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, मुझे कौन कर रही है? आपका और अबू का इसमें क्या कसूर है? अब मेरा दिल कोई नहीं टूटा। वैसे अपिया अफशां ने ऐसी क्लास ली है ना उन दोनों की, सारी जिंदगी याद रखेंगी वो। अभी तो ना जरा वो जल्दी निकल गई, थोड़ी देर और थी ना तो मैं उनको बताती कि अम्मा इन जैसे लोगों ने ना ये ढोंग रखा लिया है, जाते लड़की वालों के घरों में और खूब ठूसते हैं। कमबख्त है, मैं अपने बेटों की शक्लें देख रहे, अपने भाइयों की शक्लें देख रहे। मेरी बहन हूर जैसी, उनका बेटा पता कैसा डबखड़बा होगा। खुदा की कसम अम्मा वो देर और रुकती ना तो उनको पता चलता कि किस घर आ गई है वो। अच्छा अच्छा बस अब चले गए हैं ना वो लोग, सुकून ले लो। पहली दफा अफशां की बदतमीजी पे प्यार आया, वाकई आज तो इसने बहन होने का हक अदा कर दिया। उस दिन आप मुझे मौका देती ना तो ताया को भी ऐसा भगाती, ऐसा भगाती कि आज तक रास्ता ना देखते वो। अपनी बात तो बीच में आने लेके आनी ही आनी है ना। चुप करो बदतमीजी। लो हम अपनी बात करें बदतमीजी, इनके सर से लाइफ वो बदतमीजी नहीं। कितने कितने बदल गए हो तुम फहद, कितने। लेकिन लेकिन मैं ये शिकवा क्यों कर रही हूँ, क्यों? तुम्हें मैंने तो बदला है, खुद बदला है मैंने तुम्हें। बदनसीब, बदनसीब तो मैं हूं। आखिर तुम्हें इल्जाम क्यों दे रही हूं? ठीक किया, बिल्कुल प्लीज मेरी खातिर को माफ कर दे। उसने अपनी ना समझी और मेरी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर यह हरकत की। मुझे पता है कि आपको ये परेशानी भी है कि आप मिर्जा अंकल को कैसे फेस करेंगे। अब मैं उनसे खुद माफी मांगूंगी। जीती रहो बेटा, खुदा तुम जैसी इज्जत मंद हर बात को दे। आप भी ना वैसे। अच्छा ये बताओ दवाइयां ली? जी मेरे लिए। बेटा ये जो डिजाइन है उसके शादी कार्ड के, इसमें से कोई एक पसंद कर लो अपनी शादी के लिए। मम्मी आपको बहुत वक्त पड़ा है। डर मैंने ये नहीं कहा कि अभी होने जा रहे हैं, पसंद कर लो ताकि ज़हन रिलैक्स हो जाए। अगर आप महीना करें हमारे से Thank you.
हमाद अफशान द्रा बेटा। ओ हाँ जी मैं जा रही हूँ का मामला है बेटा। और बात सुनो ऐसे रहना दरवाजा अंदर से बंद कर और कोई भी आए बगैर पूछे बोलना। जी अम्मी जी अम्मी जाए अब तो कुरान खानी भी खत्म हो जाएगी। जी 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 अबू हैं, मैं मिर्जा हूँ। अंकल अब तो मस्जिद गए नमाज पढ़ने के लिए। वो आए तो उनसे कहना मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। जी जी कह दूंगी। किरण अबू से मेरी शिकायत लगा हम बड़ाई कोई अच्छा रिश्ता लेकर आए थे। तो नहीं बाजी मैं हूँ दरवाजा खोले। ओके तो आप इतना घबरा क्यों रही थी? वो नहीं अम्मी नहीं है ना और अबू क्यों आते हुए ढेर सारी नजरें करके गई थी दरवाजा नहीं खोलना पूछ के खोलना ये ना करना वो ना करना। अभी कहाँ गई है? वो खारा के साले का अंकल का हिस्सा था। अच्छा तो बहुत भूख लगी है। अब इस मेरे काम है चेंज करना चेंज। जी फरवाई बिलाल साहब। जी हाँ इलमास अहमद फ्रॉम रजा एंटरप्राइजेस। तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? जी मैं समझी नहीं मेरा आप क्यों मिलना चाहती हैं मुझसे? कमाल आपने खुद मुझे आज की अपॉइंटमेंट देके बुलाया। क्या आप कुछ कंप्यूटर परचेज करना चाहते थे? मैं ब्रोशर्स लाई हूँ। नहीं नहीं शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है मिस अलमास। बहुत ही अफसोस की बात है मिस्टर बिलाल जैसे रीजनेबल आदमी से मुझे इस किस्म के बेहुदा मजाक की उम्मीद थी। देखें आप एनीवे थैंक्स अ लॉट। देखें कमाल है कहीं ये वो मोहतरमा नहीं जिन्हें हमारा भाई को बताना भूल गया था और फिर आप आए भी मेरी गैर मौजूदगी में इसीलिए ये सब कुछ हुआ। वैसे आपने काफी चीख मजाक किया हमाद बुलाया आपने और नाम लिया मिस्टर बिलाल का। मैं माजरत कर चुका हूँ मैं फिर आपसे सॉरी कहता हूँ। आप लेकिन अब आपके लिए यही बेहतर है कि आइंदा मुझे फोन मत करें। लेकिन मिस्टर अलमास मेरी बात सबर कर सबर कर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों। अरे ऐसे ना देख ये मैं नहीं कहता। अरे जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ना सियाने कह गए और कह के निकाह निकल गए। ऐसी भी खतरा थी तुमने इंतहा वाह 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 आधा बर से आधा कर गालियां दे रहा है ऑफिस बैठ 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 रिलैक्स। अरे बैठ ना मैं खातून आई है और आपसे मिलना चाहती हूँ और ये उनका कार्ड है। मुझसे मिलना चाहती हैं? जी मैं जवाब ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी है बस स्टॉप पर मैंने दिया था ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल आइए तशरीफ रखें। शुक्रिया। ये किस चीज का ऑफिस है? जी ये कंप्यूटर फर्म है और मैं एज एन ऑर्गेनाइजर यहाँ पे काम करती हूँ। अच्छा बेटा मैं एक बात पूछूं आपसे वो ये तुम्हारी शादी हो चुकी है?
नहीं कहीं एंगेजमेंट तो हो चुकी हो? नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम एक पढ़े लिखे और सुलझी हुई लड़की हो, मैं तुमसे छुपाऊंगी नहीं, तुमने कार्ड तो पढ़ लिया होगा मैं एक सोशल वर्कर, और इसी वर्क में अल्लाह ताला मुझसे कुछ घर बसवा देता है, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। नंबर दो शुक्रिया। अच्छा अब मैं जाती हूँ। आप प्लीज कोई ठंडा चाय कॉफी? नहीं बेटा, अब मैं ये चाय तुम्हारे घर आकर ही पीऊंगी, हो सकता है मिठाई भी खाऊं। अच्छा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।